अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की एक और नई खबर के साथ मैं हूं अबरार और आप देख रहे हैं अबरार मलिक टीवी यूट्यूब चैनल। सऊदी वज़ारत हज ने ऐलान किया है कि इस साल महदूद हज होगा। दुनिया के 180 से ज़्यादा ममलकों में नए कोरोना वायरस के वबा के पेश नज़र महदूद तादाद में अंदरूनी मुल्क से मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को हज का मौका दिया जाएगा। दुनिया भर में 5 लाख के करीब वायरस से अमवात हो चुकी हैं और 70 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से मुतासर हैं। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत हज ने बयान में कहा है, कोरोना की वबा के माहौल, दुनिया भर में वायरस के फैलने के खतरात और रोज़ बरोज़ दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र तय किया गया है कि इस साल हज में अंदरूनी मुल्क से मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन को महदूद तादाद में शरीक किया जाएगा। पीर की शब जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि ये फैसला इस बुनियाद पर किया गया है कि हज महफूज सेहत माहौल में हो, कोरोना से बचाव के तकादे पूरे किए जाएं, आज़मीन हज की सलामती को यकीनी बनाने के लिए समाजी फासला बरकरार रखा जा सके और इंसानी जान के तहफ्फुज़ से मुतल्लिक इस्लामी शरीयत के मकासद पूरे किए जा सकें। बयान में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत जो हर साल हज और उम्रे पर आने वाले लाखों मुसलमानों की खिदमत का एजाज़ हासिल करती है, दुनिया भर के मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहती है कि यह फ़ैसला हुरमैन शरीफैन के ज़ायरीन की सेहत और सलामती के जज्बे से किया गया है। वज़ारत हज ने अपना बयान इस दुआ पर ख़त्म किया कि अल्लाह ताला दुनिया के तमाम ममालिक को इस वबा से तहफ़ुज़ फराहम करे और हर आफत से बनी नू इंसान की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।